Topic is equilibria. Concept under discussion is buffer solution. Buffer solution, better. We are going to discuss buffer solutions. So, इसकी जो डेफिनेशन है बफर सोल्यूशन के कुट आर बफर सोल्यूशन इन सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पी एच वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेड और एल इज एडेड वट आर बफर सोल्यूशन दीज आर सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट चेंज इन पी एच स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कलीज एडेड इन दैन आप इसमें नोट करें के क्या मेंशन है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या एल्के एड करें तो फिर बफर की पीएच चेंज हो जाएगी राइट right? तो ये रेजिस्ट करता है टू स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडी लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडी को ऐसे ए सोलूशन रेजिस्ट नहीं करता देखो हम केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जो पर्टिकुलर पीएच पे होते हैं राइट पीएच चेंज होता है रिएक्शन नहीं होता पर्टिकुलर रिएक्शन हैं जो सर्टन पीएच पे होते हैं तो फिर ऐसे रिएक्शन के लिए क्या किया जाता है बफर सोल्यूशन में वो रिएक्शन करवाए जाते हैं क्योंकि बफर सोल्यूशन अपनी पीएच को चेंज होने से रोकता है करता है तो फिर ऐसे रिएक्शन जो पर्टिकुलर पीएच पे होना चाहते हैं उन्हें पर्टिकुलर पीएच के बफर सोल्यूशन पे करवाते हैं ये वजह है कि बफर सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया बफर सोल्यूशन बनाने का पर्पस ये था कि ऐसे रिएक्शंस जो के पर्टिकुलर पीएच पे होते हैं उनके लिए बफर सोल्यूशन बना देते हैं कि पीएच चेंज ना हो अब बफर सोल्यूशन दो तरह के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर भी हो सकते हैं बेसिक बफर भी हो सकते हैं न्यूट्रल बफर भी हो सकते हैं ओके okay? लेकिन मोस्टली आपके सिलेबस में एसिडिक बफर के डिस्कशन है बफर सोल्यूशन क्या होंगे बेटा एसिडिक बफर होंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशंस बेसिक बफर सोल्यूशन ठीक है अच्छा अब बफर सोल्यूशन बनते कैसे हैं बेटा एसिडिक बफर फॉर्म होते हैं वीक एसिड और उनके सोल्ट के मिक्स होने से कैसे फॉर्म होते हैं बेटा वीक एसिड और उनके सोल्ट के मिक्सर से एसिडिक बफर बनता है तो एसिडिक बफर इज फॉर्न बाय वीक एसिड प्लस इट्स सोल्ट वीक एसिड और उसका सोल्ट एसिडिक बफर बनाएगा एनी वीक एसिड बेटा यू नो कोई वीक एसिड जो आपको एथनोइक एसिड तो इसका सोल्ट कैसे होगा सोडियम एथनोइट यस जब वीक एसिड को आप एल्केली से रिएक्ट करें तो यू गेट सोल्ट तो वीक एसिड और उसका सोल्ट एसिडिक बफर फॉर्म करता है तो ये एक एसिडिक बफर की एग्जाम्पल है कि कोई भी वीक एसिड हो प्लस उसका सोल्ट हो दैट डेवर एसिडिक बफर बेसिक बफर कैसे बनेगा वीक एल्केली एंड इट्स सोल्ट से वीक एल्केली प्लस इट्स सोल्ट तो उससे क्या फॉर्म होगा बेसिक बफर फॉर्म होगा बेटा कैलकुलेट अमोनिया ओके? तो अमोनिया और अमोनिया का सॉल्ट क्या होगा अमोनियम क्लोराइड ले लें अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है लेकिन चलो ये फॉर एग्जाम्पल वीक एल्कि और उसका सॉल्ट अल्कलाइन बफर बनाएंगे वीक एसिड और उसका सॉल्ट एसिडिक बफर बनाएंगे ठीक है अब उसके बाद बेटा बफर एक्शन को हमने पढ़ना है बफर एक्शन क्या है कि हाउ बफर एक्ट टू रेजिस्ट पी एच चेंज बफर एक्शन का मतलब क्या है बेटा हाउ बफर एक्ट टू रेजिस्ट पीएच चेंज ये बेटा अभी हम इक्वेशंस को स्टडी करेंगे बफर एक्शन को बेसिकली स्टडी करेंगे कि बफर एक्ट कैसे करता है पीएच को कैसे रेजिस्ट करता है ठीक है बफर so, एक्शन में सपोज कर ले कोई बफर सोल्यूशन लेट से कि ये बफर सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन इज मेड विथ विद एथेनोइक एसिड एंड सोडियम एथेनोइड तो आप देखो एक वीक एसिड है ना वीक एसिड क्या फुली डिसोसिएट होगा बेटा वीक एसिड होगा पार्शली डिसोसिएट वीक एसिड होगा पार्शली डिसोसिएट लेकिन बेटा जो वीक एसिड के सोल्ट होते हैं वो फुली डिसोसिएट होते हैं जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ओके वीक एसिड्स के जो सोल्ट हैं वो फुली डिसोसिएट होंगे तो so, ये सोल्ट फुली डिसोसिएट होगा जो बफर एक्शन है वो वो इस रिवर्सिबल इक्वेशन की वजह से होगा जो पहली इक्वेशन है उसकी वजह से बफर एक्शन होगा अच्छा अब बफर एक्शन क्या है बेटा व्हेन एसिड एडिट व्हेन एसिड एडिट तो बेटा क्या होगा व्हेन एल्कली एडिट तो क्या होगा बेटा एक मिनट मैं आपको इधर पहले डायग्राम से समझाऊं फिर मैं पे आऊंगा देखिए बेटा सामने ये बीकर है ओके okay? एसिड है और एथनोइट आयन भी है और एच प्लस भी है दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ हुआ इस सॉल्यूशन की पीएच सपोज मैं कर लेता हूं सपोज इसकी पीएच 4.0 है ठीक है देख रहे हैं बेटा ये पी एच फोर पॉइंट जीरो क्यों है पीएच एच प्लस कौन सी चीज है एच प्लस एच प्लस की वजह से पीएच फोर है अच्छा इसके करिस्पोन्डिंग में दूसरा बीकर ले, ले लेता हूं जिसमें वाटर है सिर्फ वाटर है प्योर वाटर है लेट से यहाँ पीएच कितनी है सेवन है आप जरा सुने बेटा इस पॉइंट को ट्राई टू अंडरस्टैंड वे एसिड है हमारे पास हम यहां एसिड ऐड करते हैं ठीक है क्या होगा हो एसिड के ऐड होने से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये पी क्या हो जाएगी बेटा डिक्रेज हो जाएगी इसी एसिड को हम यहां ऐड करें ठीक है बेटा कहां ऐड करें यहां पे एच प्लस ऐड करें तो ये एच प्लस बजा अच्छा इधर बेटा वाटर में जब हमने एसिड ऐड किया तो एच प्लस स्टे कर रहे हैं सोल्यूशन में जिसकी वजह से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है पीएच कम हो रही है यहां ये एच प्लस स्टे नहीं करेगा क्यों ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ ये नेगेटिव आयन है कि नहीं तो ये देखो नीचे मैं क्या लिख रहा हूं एथनोएट आयन क्या करेगा एच प्लस को पिक करेगा और क्या बनाएगा एसिड बनाएगा अब इन एज प्लस जिसको मैंने ब्लैक राइटिंग में लिखा हुआ इन्होंने तो पीएच चेंज करनी थी लेकिन क्या ये पीएच चेंज कर सकेंगे ये सोल्यूशन में स्टे ही नहीं करेंगे स्टे क्यों नहीं करेंगे कंबाइन हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे तो ये रेड वाले जो एच हैं ये जितने थे उतने ही रहेंगे जो ब्लैक वाला जो H प्लस है ये कंबाइन हो गया ये ब्लैक वाला H प्लस बाहर से आ रहा H, जो रेड वाला H प्लस है वो पहले से सोल्यूशन में है तो सोल्यूशन की क्या पीएच चेंज होगी दोनों डायग्राम से क्या फर्क है वहां क्यों चेंज हो रही है पीएच और यहां क्यों चेंज नहीं हो रही पीएच हाँ यहां पे H प्लस यूटिलाइज हो रहा है या रिएक्ट हो रहा है या कोई ऐसी स्पीसी है इस

सुन रहे बेटा ये जो एथेनोइट आयन है ये जब यूज अप हो जाएंगे फिर पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगी यानी जब तक ये एथेनोइट आयन है सोल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होगी आप ऐसे रेड करते रहें तो ये इस तरह बैकवर्ड जाता रहेगा गॉट इट कौन से वाले ये वाले इस वक्त तो ये बाहर से H आ रहे हैं उनको यूज करने के लिए बैकवर्ड जाएगा तो बाहर वाले जो एच प्लस हैं, वो तो कंट्रोल में आ गए ना वो यूज अप हो गए तो पीएच चेंज को क्या मिलेगा बेटा पीएच चेंज को रेजिस्टेंस मिलेगी गॉट द आइडिया तो आप बेटा बताओ कि मैं ये इक्वेशन कैसे लिखूं? व्हेन एसिड इज एडेड एसिड इज एडेड एसिड का H प्लस कहां से आ रहा है आउटसाइड बाहर से आ रहा है ये एच प्लस किससे बेटा रिएक्ट करेगा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव और क्या फॉर्म करेगा बेटा सी एच थ्री सी ओ एच अब ये इक्वेशन सजेस्ट कर रही है कि जो एच प्लस है वो यूज अप हो गए और अब पीएच चेंज हो रेजिस्टेंस मिले ठीक है आप बेटा ये भी ध्यान में रखें ये आस्पेक्ट में देखें एसिड क्या है एथेनोइक एसिड एसिड है क्यों एसिड है कि प्रोटॉन डोनर है एथनोइट आयन क्या है एथनोइट आयन कॉन्जुगेट बेस है तो बाहर से जो H+ प्लस आ रहा है वो किस से कर रहा है बेस से रिएक्ट कर रहा है ये क्या था बेटा ये कॉन्जुगेट बेस था तो कॉन्जुगेट बेस भी बेस होता तो बेस एच प्लस से रिएक्ट कर रहा है और ये करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना रहा है जो भी पार्टिक, पार्टिकल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा ठीक हो गया जाओ बेटा मैं ऊपर ये वाला जो सी एच थ्री सी ओ एच है ये वाला ये बहुत थोड़ा डिसोसिएट होगा अगर इसमें होना भी है और बाहर से तो एच प्लस काफी ज्यादा आ रहे हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करेगा मैं ये नहीं कह रहा कि पीएच चेंज होने ही नहीं देगा ठीक है बहुत स्लाइटली पीएच चेंज चेंज होगी चेंज नहीं होगी ज्यादा नहीं ठीक है ऐसे यानी ये मैं नहीं कह रहा कि पीएच बिल्कुल चेंज होएगी होए नहीं रेजिस्ट करता है ये सोल्यूशन पीएच चेंज हो या स्लोली पीएच चेंज करवाता है या स्लाइटली पीएच चेंज होती है ठीक है, बेटा ये इक्वेशन आप मैनेज कर लोगे आपके पेपर के लिए ये इक्वेशन जरूरी है ठीक है दूसरा बेटा इक्वेशन क्या है कि इज़ वे एलकेली क्या है एलकली में कौन से आइंस होंगे ओ एच आइंस होंगे तो बेटा फिर देखें अगर ये एसिड की जगह एलकली हो देखें एसिड की जगह क्या हो एल्के हो तो फिर व्हाट विल हैपन बेटा अगर एलकली एड करें ये कॉन्जुगेट बेस है तो एलकली में कौन से आइन्स होंगे ओ एक्स नेगेटिव आइंस होंगे यहां जब हम एल्के एड करें वाटर में तो क्या होगा हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो पीएच वैल्यू क्या करेगी बेटा इंक्रीज करेगी लेकिन बफर सॉल्यूशन में जब ओ एच आइंस एड करें तो देखो हमने डिसाइड किया वो एसिड है तो ओ OH एच किस से रिएक्ट करेंगे एसिड से रिएक्ट करेंगे इसकी जो प्रॉपर इक्वेशन है वो ये बेटा बनेगी ये एसिड है और ये ओ OH एच क्या है बेस है एक इसमें प्रोटॉन डोनर है दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर है एथेनोइक एसिड क्यों है प्रोटॉन डोनर इसका ये वाला जो प्रोटॉन है वो किसे मिल जाएगा ओ OH को मिल जाएगा तो ओ एच बिकम्स एच टू ओ प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव फॉर्म तो जो ओ OH बाहर से आया वो स्टे तो नहीं किया ना सोल्यूशन में क्या ये ओ एच स्टे करेगा स्टे नहीं करेगा बल्कि क्या कर लेगा रिएक्ट कर लेगा तो इसने जो पीएच चेंज करने थी वो पीएच चेंज नहीं कर पाएगा वाटर में ये पीएच चेंज क्यों कर पा रहा OH की वजह से वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी क्योंकि OH स्टे करेगा वाटर के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा हो जाएगी यहां पे OH यूज्ड अप हो जाएगा यूज्ड अप होने की वजह से पीएच चेंज नहीं होगी जब तक तो इस OH का रिएक्शन हो रहा है तब तक पीएच चेंज नहीं होगी जब OH ज्यादा हो जाए फिर पीएच चेंज होगी क्लियर इसमें तो किससे वाटर्स में रिएक्ट करेगा हाँ इस वजह से ये जाहिर है ओ एच से आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा ना तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में जब रहेंगे तो ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए एल्कलाइन हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन ठीक है बेटा तो आप बताओ मुझे बेटा ये ओ एच इसकी इक्वेजन कैसे होगी सी एच थ्री सी ओ ओ एच इट गोस टू एच टू ओ प्लस सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव ठीक है बेटा इक्वेशंस मैनेज कर लोगे, जी बॉयज देखो अब इसकी की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं ठीक है बेटा इधर देखो डायग्राम है ये, ये आप देखो बेटा देखें ये कॉन्सेप्ट में रखें कि अगर वीक एसिड अलोन है सोल्ट नहीं है तो भी वो बफर एक्शन डेवलप करेगा क्या जितने भी वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स एक्ट एज एस बफर सोल्यूशन ठीक है अगर वीक एसिड हो और सोल्ट ना हो साथ में तब भी वीक एसिड एज एस अ एस बफर एक्ट करेगा तो बेटा ये वीक एसिड है कि नहीं मैथनोइक एसिड इज वीक एसिड वीक एसिड है कि नहीं जी बेटा उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो वापस अनडिसोसिएटेड की तरफ नहीं जा सकते बार डिसोसिएट हो जाए तो वो डिसोसिएटेड बनेगा वापस अनडिसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एसिड में फॉर्म नहीं बनती ये वीक एसिड है बेटा तो इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन कैसे होगी ये हैबिट रखें बेटा डिसोसिएशन इक्वेशन बनाने की ये एक्वस लिखा करें डिसोसिएशन इक्वेशन में रिवर्सिबल एरो फिर बेटा मैथनोएट आइन एंड H प्लस बताएं इसमें एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है मैथनोइक एसिड क्या है एसिड और ये बेटा जो मैथन methan... मैथनोइट आयन है दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस तो बेटा जब अब हम एसिड ऐड करें इस ये ये अब बफर सोल्यूशन है ये राइट right? ये है बफर सोल्यूशन वी कैसे बफर सोल्यूशन डेवलप कर लेता तो व्हेन एसिड एड आप लोग बेटा बताएं क्या होगा शाबाश एसिड में कौन सा आयन होगा बेटा लिखे नहीं देखे साहब एसेड में कौन सा आयन होगा एज प्लस ये किससे रिएक्ट करेगा कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट करेगा जो कि मैथनोइट आयन है फॉर्म क्या होगा अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ मेथानोइक एसिड आएगी अब इस H+ प्लस से तो पीएच चेंज करनी थी लेकिन क्या यह पीएच चेंज कर पाएगा क्यों बेटा क्योंकि ये कंबाइन हो गया है ये सोल्यूशन में H+ प्लस नहीं होगा ये तो इस फॉर्म में शिफ्ट हो गया इस वजह से पीएच चेंज नहीं होगी वेन एल्केली एड इट एल्केली में कौन सा आयन होगा बेटा ओ एच नेगेटिव आयन होगा एल्केली में कौन सा आयन होगा बेटा ओ एच नेगेटिव आयन होगा तो ओ एच नेगेटिव फिर क्या करेगा किससे कंबाइन करेगा एसिड से कंबाइन करेगा एसिड बेटा ये मैथेनोइक एसिड है इसमें प्रोटोन डोनर कौन सा है प्रोटोनिक सेप्टर कौन सा मैथनोइक एसिड प्रोटोन डोनर है और ओ एच प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ओएच प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बना लेगा व्हाट यू आर लेफ्ट विथ मेथैनोइड आइन अब इस ओएच OH ने तो पीएच चेंज करनी थी तो क्या ये ओएच OH पीएच चेंज कर पाएगा बेटा ये ओएच OH पीएच चेंज कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में स्टे नहीं करेगा ये तो रिएक्ट कर जाएगा तो जब ओएच OH रिएक्ट कर जाएगा तो पीएच चेंज नहीं होगी आप ये इक्वेशन मैनेज कर लोगे बेटा पेपर में बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लड का है ब्लड एक्ट एज बफर सोल्यूशन ब्लड एक्ट एज बफर सोल्यूशन बेटा जो बायोलॉजी लेते हैं वो बताएं ब्लड क्यों बफर है किस आयन की वजह से ब्लड बफर है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की वजह से बिकॉज हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट इन ब्लड इज प्रेजेंट इन ब्लड ब्लड बफर सोल्यूशन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन ठीक है बेटर हमने अब इसको शो करना है बफर एक्शन किसका शो करना है बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का कैसे शो करें देखो इसमें चूंकि नेगेटिव आयन है जब आप एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा जब आप एलके लिए करोगे तो क्या होगा बेटा देखें जरा इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में क्या एबिलिटी है इसमें प्रोटॉन भी है और नेगेटिव आयन भी है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है कैसे बेटा अगर एसिड ऐड करें तो एसिड में एच प्लस होगा ना तो ये एच थ्री नेगेटिव है यह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्या बना लेगा एच टू सी ओ थ्री सेंस लेकिन अगर हम एल्कली ऐड करें ओ एच नेगेटिव तो इस हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में एक प्रोटॉन भी है तो ये अपना प्रोटॉन इसे दे देगा ओ OH एच को वॉटर बन जाएगा एंड वट आर लेफ्ट विथ कार्बोनेट आयन तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन ने दोनों आयंस को यूज कर लिया रिएक्ट कर लिया प्लस से भी रिएक्शन रिएक्शन कर कर लिया लिया नेगेटिव से भी तो अब पीएच चेंज नहीं हो पाएगी जब तक हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन अवेलेबल है फिर एक टाइम ऐसा आए कि हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन सारे यूज अप हो जाए तो फिर पीएच चेंज होगी ऑब्वियसली जी ये ब्लड में होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन तो ब्लड में अगर थोड़ा सा एसिड के लिए ऐड हो जाए ब्लड मैनेज okay. कर लेता है लेकिन अगर ज्यादा एसिड हो जाए तो फिर ऑब्वियसली बफर एक्शन नहीं रहेगा बेटा, आप देखें, एक और ये फिर बाद में पिक्चर्स लेना मुझे अमाइनो एसिड मैं कैसे बना रहा हूं देखो इधर सामने देखो सामने देखो बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं फोर एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक तरफ एमाइन ग्रुप हो क्या बेटा एमाइन हो दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक हो तीसरी तरफ एच हो और चौथी फोर्थ हो आर ग्रुप आर ग्रुप फिर तरह तरह के होते है? 19 R हैं नाइनटीन डिफरेंट आर ग्रुप्स हैं इस वजह से नाइनटीन अमाइनो एसिड्स हैं अमाइनो एसिड भी एक्ट एज बफर क्यों बेटा इसमें अमाइनो एसिड में से क्या बात है अमाइनो एसिड में से क्या खास बात है इधर देखो जरा ये अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड बफर की तरह क्यों ऐड करता है यहां देखो बेटा से इसमें बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है तो अगर इसमें हम एसिड ऐड करें बेटा देख रहे हैं इस एज प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा अमाइन अमाइन क्यों बेस है क्योंकि लोन पेयर है नाइट्रोजन पे तो लॉन्द पे एच प्लस को पिक कर लेगा तो क्या बनेगा बेटा इधर एन एच थ्री पॉजिटिव सी एच आर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज रहेगा लेकिन अगर इसमें एल ऐड करें आप बेटा क्या होगा कार्बोक्सिलिक का प्रोटॉन इस OH के पास आएगा एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलेट बन जाएगा चले बेटा बस ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुई लिखे नोट करें से। तो अब आप देखें अमाइनो एसिड ने एसिड से भी रिएक्ट किया और बेस से भी रिएक्ट किया तो अमाइनो एसिड भी एक्ट करता है एज पॉपर सोल्यूशन